हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, भारत सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल लॉन्च किया है, ग्रामीण रोजगार रजिस्ट्रेशन। तो 2021 में शुरुआत की है। तो यहाँ पर जो अनपढ़ व्यक्ति, जो असाक्षर है, उसके लिए भी जॉब्स की अवेलेबल है। जो मजदूर है, छोटे मोटे मजदूर है, और जो ट्रेंड है, एक्सपर्ट हैं, उनके लिए भी है। जो बिना एक्सपर्ट है, जो मतलब कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए भी यहाँ पर जॉब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, किस तरह उनको नौकरी मिलेगी, पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल DBT टेक्निकल सपोर्ट पर। दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाले बटन को जरूर दबाएँ, साथ ही उसके पास जो घंटे का निशान है उसके ऊपर जरूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस करें, ताकि कोई भी मेरा जो भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे और जानकारी ले पाएंगे और तुरंत रजिस्ट्रेशन अन्य किसी योजना में आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आपको यहां पर करना क्या, देखिए करंट ओपन जॉब्स, यहां पर जो वर्तमान में जो जॉब है वो आ चुकी है और इसके बाद भी जो नई न्यू अपडेट आएगी तो भी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, सेविंग मशीन ऑपरेटर यानी टेलर के लिए जॉब है, जिसमें आपको 10,000 से 12,000 रुपये के पर मंथ सैलरी मिलेगी। अगर आप सिलाई करना जानते हैं तो भी आपको नौकरी मिलेगी, अगर नहीं जानते हैं तो आपको ट्रेनिंग देकर भी नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग लेकर भी आप जॉब कर पाएंगे। अभी यहाँ पर आप सेकंड नंबर पे देख लीजिए, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर आपको 10,000 से 12,000 यहाँ पर भी पर मंथ रखी गई है वेतनमान। और यहाँ पर भी एकदम फ्रेशर एंड अप्लाई, यानी आपको बिना एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अनपढ़ से लेकर 10वीं 12वीं बीएड एमए जो भी है। जो यहाँ पर नीचे देखिए आपके सामने और इस तरह है, जो फाइनेंशियल से संबंधित है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनके लिए यहाँ पर 25,000 से 60,000 रुपये के बीच जो पेमेंट बताया गया है। तो देख लीजिए आप, और यहाँ पर इधर जो कोरियर वाला, कोरियर का सर्विस है, लॉजिस्टिक है, जो जैसे कि अमेजन से ऑनलाइन डिलीवरी मिलती है तो उसे पहुंचाने के लिए जो एक डाक पोस्टमैन की तरह काम मिलता है, उसमें भी 10 से 20 से 25,000 रुपये सैलरी मंथली बताई गई है। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये सभी जो जॉब्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, और फ्रंट ऑफिसर ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव है, टेलीकॉलर्स है, यानी कॉल सेंटर की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 10,000 से 18,000 तक पेमेंट बताया गया है, 12,000 से 18,000 और 55,000 तक भी यहाँ पर दे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो सबसे पहले आप यहाँ पर पोर्टल पर जाना है, यहाँ से जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन करना है और अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के सबमिट के आ रही है, ऐसे ही दबाएंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन आपको आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस करेगी डाल के आसपास के एरिया में, और नीचे आपको पर्सनल डिटेल में अपना नाम, अपनी इच्छा अनुसार राजस्थान में रहना है, राजस्थान जिस भी स्टेट से है, मेल तो आप स्टेट में काम करना चाहते हैं सिंगल है, सिंगल को मेरिड है तो मेरिड ही है। यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, देख लीजिए दोस्तों, और यहाँ पर भी है जो सिंगल है तो सिंगल, पिता का नाम डाल देना है, मदर का नाम डाल देना है, स्किप ना करें आगे, और हिंदू धर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन डालना है। अगर आपकी परमानेंट एड्रेस यही है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे सो हो जाएगा। अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आपको पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर देना है,
और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। परमानेंट पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे कौन सी पास है। मैं ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप अनस्किल है, यानी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इस जॉब के बारे में। और यहाँ पर आप अपना जॉब रोल क्या है तो हम ले लेते हैं डिलीवरी एसोसिएट, यानी मुझे कोरियर वाला जॉब पसंद है तो मैं वो ले लेता हूँ। यहाँ डिलीवरी बॉय, अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, बाकी नो रहने देंगे। यहाँ पर आपको यस कर देना है रोल, यहाँ पर आपको यस कर देना है या नो कर देना है। और यहाँ पर टर्म्स और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर ये देखिए योर हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली प्लीज़ लॉगिन कंप्लीट। यहाँ से आपको अपनी आईडी कॉपी कर लेनी है और आप पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर मेरी आईडी को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे, आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पर नीचे सीकर जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देनी है। मैं अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दूंगा ताकि आपको यहाँ से रिज्यूम भी मिल सके और कोई भी कंपनी आपका रिज्यूम देख सके और आपको जॉब भी दे सके। यहाँ पर मैं मेरी एजुकेशन डिटेल को अपडेट कर देता हूँ, यानी ट्वेल्थ पास है, कौन सी बोर्ड में परीक्षा पास की है और कितना परसेंटेज है आपके, किस सन में आपने पास की है, वो सारी बेसिक डिटेल यहाँ पे फीड कर देनी है। मिनिमम कि और आपको जॉब किस टाइप का चाहिए, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, तो वो लैंग्वेज क्या है, हिंदी तो हिंदी, और ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इसी पर आपको स्किल इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं यहाँ पर कुछ जानता नहीं हूँ अनस्किल तो अनस्किल कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने डिलीवरी एसोसिएट चुन लेंगे। यहाँ पर लॉजिक है, कोरियर है तो मैं कोरियर वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। कोरियर में 0 ईयर का एक्सपीरियंस है। यहाँ से आप अपना एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपका ऐड हो जाएगा। अब आपको एम्प्लॉय डिटेल्स में आपको फीड करना है जो आपने, यानी पहले कहाँ काम करते थे, अगर आप काम करते थे तो किस कंपनी में करते थे, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, क्या काम करते थे, उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। या फिर आपको नीचे लिख रहा है डिज़ायरेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपने जो भी अपनी जॉब के बारे में, आपको कितने इनकम चाहिए और क्या जॉब करना है, कितना आपके बाइक पास आपके कितना पास आपको अमाउंट चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपनी सैलरी रिक्वायर्ड है वो बता देनी है। और यहाँ पर कितने दिन में चाहिए आपको जॉब, कितना वेट कर सकते हो, वो जो भी है जो आप अपने हिसाब से डाल देंगे। और यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपको कवर लेटर मिल जाएगा। कवर लेटर पर जाना है और यहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कितना हार्ड वर्क करकिंग आपको, जो भी है जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर रिज्यूम प्रिंट पर जाकर आप इस प्रकार आपको रिज्यूम ऑटोमेटिक रेडी मिल जाएगा। यह आपका रिज्यूम मिल गया है, आप इसे चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हो कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ से लेनी पड़ेगी तो ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो वो भी मैं वीडियो आपको अलग से बना दूंगा। और यहाँ से आप अपना अकाउंट सेटिंग में जाके आप अपना आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डाल के आप अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी वीडियो। धन्यवाद। डीबीटी टेक्निकल सपोर्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है।